हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जौहर जॉब स्ट्रीम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दिसंबर महीने के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं दोस्तों, मैंने उन सभी को मैंने इस वीडियो में डाला है। ठीक है, झारखंड के जितने भी एग्जाम होंगे दोस्तों, उन सब के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे दोस्तों, उन सबको मैं क्वेश्चन के साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा। ठीक है दोस्तों, उन सभी भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही दोस्तों साथ ही घंटे के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि झारखंड की महिला आयोग की नए अध्यक्ष किसे चुना गया। ठीक है, तो आंसर है दोस्तों कल्याणी सरन। कल्याणी सरन को जो है दोस्तों महिला आयोग की नए अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों भारतीय जो राष्ट्रीय महिला आयोग है दोस्तों, इसकी बात करें तो वो भारतीय संसद द्वारा 1990 में दोस्तों, ठीक है, 1990 में पारित अधिनियम के तहत यह संवैधानिक निकाय है दोस्तों। ये इसकी स्थापना दोस्तों 1992 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992। और दोस्तों महिला आयोग की जो और तीन सदस्य दोस्तों इसमें, और वो तीन सदस्य कौन कौन है? वो तीन सदस्य हैं पूनम प्रकाश, शर्मिला सोरेन, आरती राणा। ठीक है, ये जो तीन लोग हैं वो भी महिला आयोग की तीन सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेशनल साइकिलिंग प्रतियोगिता में झारखंड के नारायण महतो को कौन सा पदक मिला है? ठीक है, तो उनको स्वर्ण पदक मिला दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम लोग, झारखंड के किस व्यक्ति को केंद्रीय उच्च सचिव, उच्च शिक्षा सचिव, केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया? ठीक है, तो वो है अमित खरे जी को। अमित खरे जी को जो है झारखंड के केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 के बैच के जो कैडर अधिकारी रह चुके हैं, और इससे पहले ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण विभाग के कार्यरत है। ठीक है, अब उन्हें केंद्रीय शिक्षा विभाग का भी सचिव चुन लिया गया दोस्तों, तो इन्हें अतिरिक्त कार्यभार संभालने को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस व्यक्ति ने माली देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया? ठीक है, झारखंड किस व्यक्ति को माली देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर दोस्तों अंजनी कुमार सहाय को। ठीक है दोस्तों, ये जो अंजनी कुमार सहाय है दोस्तों, वो बरियातू रांची के रहने वाले हैं। ठीक है, इससे पूर्व 2003 में भारतीय विदेश विभाग में भारतीय विदेश विभाग के सचिव रह चुके हैं। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक काउंसलर भी रह चुके हैं, ये जो अंजनी कुमार शाह दोस्तों। ठीक है, और जो अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर माली देश की बात करें तो वो माली गणराज्य एक देश है दोस्तों, वो पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित है। ठीक है, और अगर बात करें और माली देश के प्रेसिडेंट के दोस्तों, तो वो के प्रेसिडेंट है इब्राहिम ब्राउकर। ठीक है, और राजधानी है दोस्तों बमाको, और वहाँ दोस्तों वहाँ की जो भाषा है दोस्तों वो फ्रेंच भाषा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिक्की इंडिया खेल पुरस्कार 2019 के किस कंपनी को दिया गया है? फिक्की इंडिया खेल पुरस्कार 2019 झारखंड की किस कंपनी को दिया गया? तो सीसीएल। ठीक है, सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, कंपनी को दिया गया दोस्तों। सीसीएल की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो रांची में है। ठीक है, रांची में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर रांची में है। और दोस्तों इसकी कोलफील्ड की अगर बात करें, सीसीएल की बात करें तो दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ था वो 1956 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जयपुर में आयोजित ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता मिसेज एशिया इंडिया 2019 किसे दिया गया? ठीक है, किसने जीता या किसे दिया गया? ठीक है, तो ये जीता है दोस्तों हेमा बख्शी जी ने जीता। ठीक है, किसने जीता? हेमा बख्शी ने जीता। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। तो राजस्थान के दोस्तों आप लोग वहाँ की राजधानी जानते ही होंगे, वहाँ की राजधानी जयपुर है। और सीएम की बात करें दोस्तों, अशोक गहलोत जी हैं, और गवर्नर है वहाँ के कलराज मिश्र। ठीक है, और दोस्तों राजस्थान की बात करें तो दोस्तों वो पहला क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान है। ठीक है, और दोस्तों ये जो हुआ था, इन्हें जो जो हेमा बख्शी जी हैं, इन्हें बेस्ट पर्सनालिटी का अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, ये जो मिसेज एशिया इंडिया तो जीता ही उन्होंने, उन्हें बेस्ट पर्सनालिटी का भी अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, सातवां क्वेश्चन क्या है, मिशन इंद्रधनुष के तहत झारखंड के किस जिले के हर बच्चे को वर्ष 2020 तक टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा गया? तो दोस्तों खूंटी है। ठीक है, हर एक बच्चे को टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा गया, खूंटी के हर एक बच्चे को दोस्तों। खूंटी जो ये जिला है दोस्तों, ये 12/9/2007 को बनाया गया। ठीक है, 12 सितंबर को 2007 में अस्तित्व में आया। ठीक है दोस्तों, इससे पहले ये नहीं बना था, 2007 में इसके बना गया था दोस्तों। ये 23वां जिला था झारखंड का जो बना था। और दोस्तों ये जो मिशन है दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, ये जो मिशन है दोस्तों, इसके साथ बच्चों को डिप्थीरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदित, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी के रोकथाम के लिए टीके लगाए जाएंगे। ठीक है, और जो ये जो इंद्रधनुष मिशन दोस्तों, इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर
2014 से की गई है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमको हमारे यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा झारखंड के कितने न्यायाधीशों को अस्थायी कराने की घोषणा की गई है? तो कितने कितने न्यायाधीशों कराई गई है जजों को, 3 जजों को अस्थायी कराने की घोषणा की गई, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयोजन जारी किया कि ये जो 3 लोग हैं ये अस्थायी रहेंगे, और ये 3 लोग कौन है दोस्तों, ये हैं जस्टिस राजेश कुमार और जस्टिस कैलाश प्रसाद और अंतिम है दोस्तों जस्टिस अनुभा रावत चौधरी, ठीक है। और दोस्तों बात करें अगर झारखंड के चीफ जस्टिस की, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड की, तो वो है डॉक्टर रवि राजन, ठीक है। डॉक्टर रवि राजन जी है जो वो 17 नवंबर 2019 से झारखंड के चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर भारत की अगर हम लोग चीफ जस्टिस की बात करें तो वो अभी हैं फिलहाल 47वें न्यायाधीश जो है वो शरद अरविंद बोबडे, ठीक है, ऐसे बोबडे। और उससे उनसे पहले अगर बात करें दोस्तों, उनसे 46वें जो थे वो थे रंजन गोगोई जी, ठीक है। और इन्होंने जो शरद अरविंद बोबडे हैं इन्होंने 18 नवंबर से अपना कार्यभार संभाला, ठीक है, 18 नवंबर से कार्यभार, कब से कार्यभार संभाला दोस्तों, 18 नवंबर से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ये दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, कि झारखंड के किस व्यक्ति को केंद्रीय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? तो किसने नियुक्त किया, सीमा खुराना जी को दोस्तों। सीमा खुराना जी है जो ये इरिस अधिकारी सीमा खुराना है, IRS अधिकारी है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है यहाँ पे जो प्रत्यक्ष कर बोर्ड है दोस्तों, ठीक है, ये जो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर बोर्ड है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई थी। कब हुई थी, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और दोस्तों इसके जो अभी फिलहाल जो चेयरमैन है दोस्तों वो है पीसी मोदी जी। पीसी मोदी जी अभी इसके चेयरमैन कौन है, पीसी मोदी जी, ठीक है, पीसी मोदी, ठीक है, पीसी मोदी जी अभी इसके चेयरमैन है दोस्तों। और इसका मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली में है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर दोस्तों। 10 नंबर क्या है कि हाल ही में एक लॉन्च नॉवेल हुआ था दोस्तों, द डे आफ्टर माई फ्यूनरल के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, इसके लेखक है दोस्तों निखिल कुशवाहा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों ये बुक काफ़ी फेमस थी दोस्तों। और ये जो बुक है दोस्तों ये जो बुक है दोस्तों ये 2 हफ्ते से लगातार सर्वाधिक बिक्री की जाने वाली की सूची में शामिल है, ठीक है। और दोस्तों साथ ही ये अमेजोन की पेन टू पब्लिक 2019 प्रतियोगिता की सूची में भी शामिल बुक है दोस्तों, नॉवल है, ठीक है। और जो ये जो दोस्तों निखिल कुशवाहा जी हैं ये रांची के रहने वाले हैं, ठीक है। और इस बुक में जो क्या है दोस्तों कि क्यों इतनी फेमस है दोस्तों, इस बुक में एक आत्मा की स्टोरी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जाने माने प्रसिद्ध आदिवासी लेखक ग्लेनसन डुंगडुंग की नई पुस्तक का नाम क्या है? उनकी नई पुस्तक क्या नाम क्या है दोस्तों, तो उनकी नई पुस्तक का नाम है आदिवासी एंड देयर फॉरेस्ट, ठीक है। उनकी नई पुस्तक कौन सी, आदिवासी एंड देयर फॉरेस्ट दोस्तों। इनकी ये जो ग्लेनसन डुंगडुंग है ये सिमडेगा के रहने वाले हैं। और दोस्तों इस पुस्तक की क्या खासियत है, इसकी पुस्तक में मतलब किस बारे में जिक्र किया गया क्या है दोस्तों, तो इस पुस्तक में दोस्तों आदिवासियों के लिए लिखा गया दोस्तों कि आदिवासियों को ही जंगल का असली हकदार बताया जाना चाहिए, और वन्य जीवों के असली संरक्षक जो आदिवासी ही हैं, जंगलों का मालिकाना हक उन्हें दे दिया जाना चाहिए, इससे जंगल को पूरी सभ्यता सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के इस बुक में उल्लेख किया गया है, इस नॉवल में मतलब उन्होंने जो अंग्रेजी पुस्तक लिखी थी उसमें उल्लेख किया गया, ठीक है। जो अगली जो क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 12वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे, हाल ही में किस समाज सेविका का निधन हो गया? तो दोस्तों डॉली कंडुलना, ठीक है, ये दोस्तों डॉली कंडुलना इनका निधन हुआ है। तो ये जो दोस्तों ये जो डॉली कंडुलना है ये जो हमारी इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगी थी दोस्तों, उस समय इन्होंने सबसे पहले गिरफ्तारी देने वाली महिला थी, ठीक है, पहली महिला था, इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी उस समय। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड की मोनोक्रॉपिंग योजना किससे संबंधित है? तो मोनोक्रॉपिंग योजना दोस्तों दलहन की पैदावार बढ़ाने से संबंधित है, ठीक है। मोनोक्रॉपिंग किससे संबंधित है, दलहन की पैदावार, तो दलहन की बात करें तो दोस्तों ये दलहन जो है ये रबी की फसल है, ठीक है, और रबी की फसल उन फसलों का आया था जो जाड़े में लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, 40 नंबर, राष्ट्रीय सेपक टंकरा प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा दोस्तों, अभी ये आयोजन हुआ नहीं है, ये रांची में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये रांची में आयोजित किया जाएगा। और रांची में कहाँ आयोजित किया जाएगा, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में रांची किया आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय सेपक टंकरा प्रतियोगिता हो रही है दोस्तों, पहली बार वहाँ आयोजित की जा रही है, और ये कब से कब तक होगी, 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक, ठीक है, 2
2 जनवरी तक, ठीक है, 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक ये चलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, ये 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 26वां नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम को अंडर 17 बालिका वर्ग में कौन सा पदक प्राप्त हुआ है, कौन सा पदक प्राप्त हुआ है, कांस्य पदक प्राप्त हुआ है दोस्तों। और इन्होंने किसे हराया था दोस्तों, हरियाणा को हराया था, ठीक है। इन्होंने किसे हराया था, हरियाणा को हरा के कांस्य पदक प्राप्त किया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 16वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के खूंटी जिले, ठीक है, डॉक्टर राजेश कुमार गंजू को उनकी किस दवा के लिए पेटेंट सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, किस दवा के लिए मिला। तो एंटी रेबीज दवा, उन्होंने एक दवा निकाली थी, निकाली थी क्या मतलब, उन्होंने खोज की है दवा की, एंटी रेबीज दवा की। तो दोस्तों उनको जो है आयुर्वेदिक एंटी रेबीज दवा 5 दिसंबर को उनको पेटेंट मिला है, ठीक है, 5 दिसंबर को हाल ही में मिला है। और ये जो दवा है दोस्तों, इस दवा जापानी बुखार व डेंगू के लिए भी लाभकारी है, ठीक है, इसी वजह से इन्हें पेटेंट सर्टिफिकेट मिला उनकी दवा का, ठीक है, उनकी दवा के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 17वां क्वेश्चन हम लोग, रांची के किस कलाकार का चयन इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट के तहत सुपर मून सेल्फी नामक फिल्म के लिए किया गया है। तो किसे किया गया, तो किसका किया गया दोस्तों, रवि रॉकर नाम के एक अभिनेता है, मतलब कलाकार है, उनका चयन किया गया है। और दोस्तों ये जो सेल्फी सुपर मून सेल्फी है दोस्तों, ये एक शॉर्ट फिल्म है, ठीक है। अगली देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या हमारे, तो अगली क्वेश्चन है हम लोग का, दिल्ली में झारखंड के किस अस्पताल को इंडिया इकोनॉमिक फोरम सीमेंट स्कॉच ग्रुप द्वारा सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन से अस्पताल को सम्मानित किया गया, रानी अस्पताल को, किस अस्पताल को, रानी अस्पताल, जो कि रांची में स्थित, सम्मानित किया गया, ठीक है। तो क्यों दिया गया यह पुरस्कार इन्हें, मतलब सिल्वर पुरस्कार क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने आयुष्मान भारत योजना के बेहतर कार्य किया, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 19वां क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में आयोजित ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स का सचिव किसे नियुक्त किया गया, विजय कुमार पीयूष जी को नियुक्त किया गया, ठीक है, डॉक्टर विजय कुमार पीयूष जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों बात करें इसके अध्यक्ष की, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष प्रोफेसर केशव भट्टाचार्य जी को चुना गया, ठीक है, यह भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए यहाँ पे अभियोजन स्वीकृति के लिए प्राधिकार समिति में गृह विभाग की ओर से किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, सतीश कुमार जी को नियुक्त किया है, ठीक है, किसे, सतीश कुमार जी को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार झारखंड के किस प्रसिद्ध बैडमिंटन कोच का निधन हो गया। तो दोस्तों आशुतोष जमुआर जो है उनका निधन हुआ है दोस्तों, वो बैडमिंटन के एक जाने वाले कोच थे। और दोस्तों आप लोग झारखंड के बारे में तो जानते ही होंगे, सीएम और जो गवर्नर है रघुवर दास, द्रौपदी मुर्मू, बिहार के बारे में दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, नीतीश कुमार, फागू चौहान जो है उनके बारे में जानते होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 22वां है दोस्तों हम लोग का, झारखंड किस उद्योग पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया, ठीक है, और इसने किसने लगाया, तो UCIL पर, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर लगाया गया, ठीक है। तो इस पे जो आरोप लगाया दोस्तों वो CBI ने लगाया, ठीक है, जो और इसकी जो UCIL की स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 1967 में, और इसका जो हेडक्वार्टर वो सिंहभूम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भोपाल में आयोजित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्पोर्ट्स मीट्स के फुटबॉल में कौन सी टीम विजयी हुई थी, कौन सी टीम विजयी थी, वो झारखंड की टीम जीती है दोस्तों, ठीक है, कौन सी टीम, झारखंड की टीम जीती है, किसको, त्रिपुरा को हरा गए। 24वां क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे कि रणजी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के इतिहास में पहली बार कौन सी टीम फॉलो ऑन खेलने के बाद भी जीती है, मतलब आज तक पहले कभी नहीं हुआ दोस्तों ऐसा, ठीक है, कि फॉलो ऑन खेलते हुए कोई टीम जीती है, हमेशा हारी है। तो झारखंड एक पहली टीम है दोस्तों, ठीक है, झारखंड पहली टीम बनी है जिसने फॉलो ऑन खेलते हुए जीत दर्ज की है, ठीक है। तो किसके खिलाफ जीत दर्ज की, त्रिपुरा के खिलाफ जीत दर्ज की, ठीक है। अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का सदस्य किसे मनोनीत किया गया, तो संजय सेठ जी को मनोनीत किया गया है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन जो इन्हें नियुक्त किया गया दोस्तों, उन्हें नितिन गडकरी द्वारा नियुक्त किया गया, रांची के सांसद हैं ये संजय सेठ जी जो है, रांची के सांसद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों, 26वां क्वेश्चन क्या हम लोग का, कि काठमांडू में आयोजित साउथ एशियन गेम्स में झारखंड के किस एथलीट को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों, प्रियंका केरकट्टा, ठीक है, प्रियंका
प्रियंका कर्कट्टा जी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ, कहाँ? काठमांडू में आयोजित एशियन गेम्स में। ठीक है, तो दोस्तों इनकी बात करें तो ये झारखंड की एकमात्र एथलीट थी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे 27वां क्वेश्चन। हाल ही में भाजपा के पूर्व मंत्री सरयू राय ने इस्तीफा दिया, वे मंत्रिमंडल में किस पद पर थे? ठीक है, तो इनकी बात करें दोस्तों वो मंत्रिमंडल में खाद खाद आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के पद पर थे। ठीक है, और इन्होंने किसे अपना इस्तीफा पत्र दिया दोस्तों? इन्होंने अपना इस्तीफा पत्र जो दिया है उन्होंने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी को दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगले वीक, मतलब 3rd वीक ऑफ दिसंबर के वीडियो लेके। ठीक है, मतलब 16 से लेके 22 तक या 23 तक के वीडियो लेके हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। और वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।